प्रौढ़ नागरिक जब हमारे पास में आते हैं और उनको जब मानसिक बीमारी होती है तो इनका इलाज करना जरा कठिन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, उनका इलाज कैसे करना चाहिए, उनके बारे में मैं आपको आज ये वीडियो बताने वाला हूँ। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोह तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है, यहाँ मनोविकार तथा व्यसन लोगों का इलाज करते, उपचार करते हैं। हमारे पास में जब लोग आते हैं, करीब करीब 50-60 साल के बाद के जब लोग आते हैं, तो होता क्या है कि उनको कोई ऐसा एक तो कानों में सुनाई कम आता है, ऐसा होता है कि उम्र के हिसाब से कानों में कम सुनाई आता है, उम्र के हिसाब से समझो वो रिटायर हो गए तो काम भी कम रहता है, फिर बैठे बैठे विचार आना शुरू हो जाता है। जब विचार आना चालू हो जाता है तो वहम निर्माण होता है, उनको कभी कानों में कुछ आवाज़ सुनाई आती है, ऐसा लगता है कि कोई आया है, कोई जा रहा है, उनको लगता है कि कोई लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको सुनाई नहीं आता तो लगता है कि लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, और फिर उनको नींद नहीं आती, और फिर उनको लगता है कि लोग हमको निग्लेक्ट भी करते हैं, काम के भी हम नहीं रहे, तो इसमें मानसिक बीमारी बढ़ते जाती है। होता क्या है कि जब ये साइकियाट्रिस्ट के पास में जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट उनको दवा देते हैं, तो दवाई उनको ऐसी देना जरूरी होती है कि उसके साथ में कम से कम साइड रिएक्शन हो या साइड इफ़ेक्ट हो। समझो हम ऐसी दवा देते हैं कि जो दवाई का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो फिर इनकी बीमारी ज़्यादा हो जाती है। अभी एक मेरे पास में एक एल्डरली पर्सन आया था, प्राउड, उनकी उम्र करीब 70 साल की थी। 3-4 डॉक्टर लोगों के पास में घूम फिर के मेरे पास में आया, मानसिक बीमारी का इलाज चालू है, उनको यही सब सिम्टम लक्षण थे कि भाई नींद नहीं आ रही, कोई आया ऐसा लगता है, कोई गया ऐसा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि कोई अपने से बात कर रहा है, और वो उनको बीमार थे और उनको 7-8 दिन में कम से कम 3-4 जगह उनको घुमा लिया। जब मेरे पास में आए तो उनको मैंने देखा कि उनको दवाई तो बराबर चल रही थी मगर जो दवाई दे रहे थे उसका साइड इफ़ेक्ट था। मैंने किया क्या कि उनको ऐसी दवाई चुनी कि जो दवाई का साइड इफ़ेक्ट कम से कम है। अब साइड इफ़ेक्ट जब कम से कम है तो उसको थोड़ा टाइम भी लगता है एक्शन करने के लिए, तो फिर वो दवाई जब मैंने उनको दिया, बाकी पहले वाली सब दवाई बंद कर दिया, तो ये नई दवाई जो मैंने दिया इससे उनको 3 दिन में आराम हो गया, सिर्फ 3 दिन में। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रौढ़ नागरिक रहते हैं 65-70 साल के बाद में जिनको बीमारी होती है, तो इनको कम प्रमाण में दवा देना जरूरी रहता है, रेगुलर दवा देना जरूरी रहता है, और रिलेटिव ने अपने मन से दवा देने की नहीं है। क्या होता है, सोता नहीं है, नींद नहीं आई, चलो दवाई खिला दो, और एक नींद की दवाई की मतलब नींद की दवाई खिला देते, उसमें नींद ज़्यादा आ जाती है। सेकंड है वो कन्फ्यूजन में जाते हैं, उनको समझता नहीं अपन कहाँ है, तो डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करते वैसे दवा दो। और डॉक्टर लोगों ने भी ये ख्याल में रखना चाहिए कि जब हम दवाई देते हैं तो जिसको कम से कम साइड इफ़ेक्ट है उसमें एक ट्राइएक्सिफिनिडिल नाम का जो एक केमिकल आता है वो मिक्स की हुई दवाई दिया, तो डेफिनेटली ये लोगों को साइड इफ़ेक्ट आते हैं, एल्डर लोगों को। तो ऐसी दवाई हमको चुननी पड़ेंगी कि जिसमें ट्राइएक्सिफिनिडिल करके जो केमिकल है जो इन कॉम्बिनेशन देते हैं वो देना नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो जो मैं बता रहा हूँ, जो व्यक्ति मेरे पास में लाए थे वो करीब करीब 4-5 दिन में तो पूरा अच्छे हो गए। सिर्फ मैंने किया क्या कि जो दवाई चली थी वो बंद कर दिया, नवी दवाई दिया, उनको शांत नींद लग गई और वो अच्छे हो गए। तो काफ़ी सारे अभी क्या हो रहा है कि उम्र बढ़ते जा रही है, आयुष्मान बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसा था कि 40-50 साल में लोग मरते थे, मृत्यु होती थी, बाद में आयु होगी 50-60 साल, अभी 70-80 साल के बीच में काफ़ी लोग हमको दिखते हैं। उनको एक तो होता है डिमेंशिया, अल्जाइमर डिसीज हो सकता है, या डिमेंशिया अलग अलग प्रकार का है उसमें का कोई हो सकता है, या फिर मानसिक बीमारी भी होती रहती है, डिप्रेशन तो बहुत कॉमन ही होते रहता है। इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो ट्रीटमेंट यदि हम बराबर केयरफुली देते हैं तो उनका जीवन जो है ना वो अच्छा हो जाएगा, पीसफुली वो जीवन जिएंगे और बाकी लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी। तो स्पेशली रिलेटिव्स को मुझे ये बोलना है कि उन्होंने डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करते वैसी दवा दे दो, और उनको ठीक तरह से उनका नर्सिंग करो, केयर करो, ताकि वो लोग अच्छे हो जाएंगे। अब ये वीडियो लोगों को शेयर करेंगे ना तो हर एक के घर में वृद्ध लोग हैं कि जिनको कुछ ना कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, उनको इसमें से कुछ ना कुछ एक्सेस मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, ये हमारे वीडियो सब्सक्राइब करो, ताकि हमको ऐसा लगेगा कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाइक भी देना बहुत ज़रूरी है, उससे हमको ज़रा प्रेरणा मिलती है वीडियो तैयार करने के लिए। बेल का आइकॉन जो आता है ना उसके ऊपर आप क्लिक करते हो ना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहली बार मेरे आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।